दोस्तों छोटी राई के दाने या स्मॉल मस्टर्ड सीड्स के फायदे आज आपको बताऊंगा। 8 फायदे होते हैं उसके, हड्डियों मांसपेशियों के लिए काफी लाभदायक होती हैं। इसको जरूर अपनी डाइट के अंदर आप इन्वॉल्व करें। क्या होते हैं इसके फायदे, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों छोटी राई के बीज या स्मॉल मस्टर्ड सीड्स हमारे खाने के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। इसको सरसों भी बोलते हैं, शोरशे बोलते हैं इसको बंगाली में, करीज में काफ़ी यूज़ होता है, उसकी सब्जी बनती है, उसको पिकल्स के अंदर या अचार के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राई को पीस के भी यूज़ किया जाता है उसके अंदर, बंगाल में स्पेशली लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। और मस्टर्ड का ऑयल या मस्टर्ड का तेल भी होता है, जो जहाँ हमको चोट लगती है, दर्द हो रही होती है, उसको लगा लेते हैं और उससे दर्द और जकड़न हमारे उस एरिया की कम हो जाती है। काफ़ी मददगार होती है राई, फुल ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है, विटामिन सी होती है, उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो दोस्तों 8 इसके ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको मजबूर कर देंगे शोरशे को या राई को या सरसों को अपने खाने में इन्वॉल्व करने के लिए। पहला उसका फ़ायदा होता है कि वो हड्डियाँ आपकी मजबूत करता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, कैल्शियम, पोटेशियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये चार जो एलिमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी हड्डियों के लिए, राई उसमें भरपूर होता है। आपको बहुत सारी कैल्शियम मिलती है राई लेने से, आप जरूर उसको अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कीजिए। दोस्तों दूसरा फायदा है कि राई खाने से हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। मसल स्पैज़म जो होता है या हमारी मांसपेशियों में जो खिंचाव जो हो जाता है या जो जलन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो काफी कम होती है। राई के अंदर एक टाइप का कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं एसेटिक एसिड, वो एसेटिक एसिड काफी कम है मसल की इन्फ्लेमेशन को और मसल स्टिफनेस या स्पाज़म को, जिससे आपसे मांसपेशियों में होने वाले दर्द में छुटकारा मिलता है। दोस्तों तीसरा राई का फायदा होता है कि वो हमारे स्किन प्रोटेक्शन के लिए भी काफी यूजफुल होता है। आप जानते हैं आजकल गर्मियां चल रही हैं, हम बाहर धूप में निकलते हैं तो यूवी लाइट से हमारी स्किन काफी खराब होती है, स्किन के अंदर काफी सारे डिजीजेस भी होते हैं। सोरियासिस की बात करें, रिंग वर्म की बात करें, ये सारे के सारे डिजीजेस भी स्किन में होते हैं, और राई को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने से आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिससे ये वाले डिजीजेस कम हो सकते हैं। और राई को अगर आप एलोवेरा के साथ मिला के एक पाउडर सा या एक क्रीम सी बना लें और उसको अपनी स्किन के ऊपर लगाएं तो आप यूवी लाइट से भी काफी बच सकते हैं, स्किन प्रोटेक्टिव भी होती है राई या ये छोटी मस्टर्ड की सीड्स। दोस्तों चौथा फायदा है, राई काफी मददगार होती है खांसी, जुकाम, कंजेशन इत्यादि को भी रिलीव करने में। एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है राई, और अगर इंफ्लेमेशन बॉडी से कम होती है तो कंजेशन भी कम होता है। ये बहुत फेमस रेमेडी है, हमारी दादी माँ के नुस्खे कहे जाते हैं कि राई आप लीजिए अगर आपको खांसी जुकाम है, तो आप इसको जरूर इनकॉर्पोरेट करिए अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो। दोस्तों पांचवा फायदा है राई का कि वो माइग्रेन में भी हेल्पफुल होता है। माइग्रेन जैसे कि हम सब जानते हैं एक टाइप का सर दर्द होता है जो एक साइड को अफेक्ट करता है, यानी दाई तरफ या बाई तरफ को ही अफेक्ट करता है, और उस माइग्रेन के साथ ऑरा के सिम्टम्स भी होते हैं, हमको लाइट और साउंड से प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमको इरिटेटिंग लगता है, हमको नॉजिएटिंग या उल्टी जैसी सेंसेशन भी आती है। माइग्रेन काफी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है, स्पेशली आजकल यंग एडल्ट्स के अंदर। राई के अंदर मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम प्रोटेक्टिव होता है माइग्रेन के लिए, तो आप राई को जरूर अपनी डाइट में लीजिए। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटेक्टिव फॉर माइग्रेन होते हैं। दोस्तों छठा फायदा है, राई कमर के दर्द में भी काफी लाभदायक होता है। हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि यदि आपको कमर में दर्द है तो मस्टर्ड ऑयल उसके ऊपर लगाओ तो मांसपेशियां उसकी शांत हो जाएंगी, मसल स्पैज़म खत्म हो जाएंगे और कमर में दर्द चला जाएगा। परंतु अब राई को अगर अपनी डाइट में भी इन्वॉल्व करेंगे तो कमर दर्द के लिए काफी लाभदायक होता है। दोस्तों अगला फायदा है कि राई हमारी गम्स के लिए, बोन्स के लिए और टीथ के लिए भी काफी लाभदायक होता है। जिन लोगों के दांत काफी टूट रहे हैं, जिनके गम्स में पेन रहता है, वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से रहता है। राई एक भरपूर होता है विटामिन सी में, उसके साथ साथ राई के अंदर सेलेनियम नाम का एक कंपाउंड भी होता है। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है, परंतु वो इसके साथ साथ हड्डियों में भी काफी लाभदायक होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और स्पेशली हमारे दांतों में, हमारे गम्स में जो हड्डियां होती है उसके लिए तो काफी ज्यादा लाभदायक होता है सेलेनियम। तो आप राई के थ्रू सेलेनियम पा सकते हैं, जो कि इन टर्न आपके दांतों को काफी मजबूत करता है। तो
दोस्तों आठवां और आखिरी फायदा होता है कि राई एंटीऑक्सीडेंट होता है। हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में वेस्ट के तौर पे फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, जो धीरे धीरे अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है तो वो दर्द, जकड़न, सूजन इत्यादि तो करती करती है, बल्कि हमारी बॉडी के लिए कैंसरस तक होती है, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स तक बन जाते हैं वो फ्री रेडिकल्स। तो वो राई से हमारे एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर होता है, वो धीरे धीरे उस फ्री रेडिकल्स को फ्लश आउट करता है उस बॉडी से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को बाहर निकालता है बॉडी से, और कहीं ना कहीं बॉडी को डिटॉक्स करता है या टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के हमारी बॉडी को और ज्यादा स्वस्थ बनाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये 8 फायदे होते हैं राई के, आप उसको भरपूर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू।